मर जाएगी। ना ना मेरी कुछ नहीं लगती भाई जान। अबे जब ये तेरे कुछ नहीं लगती तो छेड़ क्यों रहा है? उबा मैं भी छेड़ता कम वक्त। उबा मार दे, उबा मार दे कम वक्त। उबा मार मारे और पिटवा दे रुका ना। उबा कम वक्त गड़ी गड़ी पिटवारी मुझे। भाईजन छोड़ दो इन्हें भाईजन। ये मेरे मियाँ हैं, दी भी हूँ मैं इनकी। उबा मार दे कम वक्त। ये तो कह रहा था कि मेरी कुछ नहीं लगती। भाईजन इन्होंने गुस्से में कह दिया था, हमारी आपस में लड़ाई हो गई थी। जाओ तो फिर अपने अपने घर को जाओ। ठीक है जल्दी घर चल। हाँ चलो चल चल। अम्मी से कह दूंगा मैं लाया हूँ मना के। तो चिंता मत मार, अब अम्मी से मैं कह दूंगा मैं लाया हूँ मना के। अरे आ गई लौट के ऊंची नाक वाली, अब न कटी तेरी नाक। हमारा तो सारा खानदानी खराब है, अब क्यों आई? मैं ना आने वाली थी, वो तो तुम्हारा लौंडा ले आया मुझे मना के। अरे हम तो सोच रहे थे कटीरा तू मना के लाया इसे। ओए मुझे झूठ बोलना है? बा मैं भी मना के लाता। झूठ बोल रही है साले। हैं? अपना भाई अम्मी मैंने लाया से मना के। क्या? और वो तुम्हें उन आदमियों ने नहीं पीटा था? वो तो तुम पे तरस खा के आ गई मैं। हैं? बड़ी तरस खाने वाली बन रही है। रोटी पका ले, अम्मी भी खाएंगी अब्बू भी खाएंगे। अब्बू की तो टाल करो बेटा, अब्बू की सेवा की जरूरत ना, बहुत सेवा हो रही अब्बू की तो। अब्बू कहाँ चल दिए? मुझे जाना पंचायत में, रामपल के यहाँ चोरी हो गई। इतने तुम रोटी सोटी बनाओ और मैं पंचायत में होके अभी आ रहा हूँ। मैं क्या करूँगा यहाँ, मैं ही पंचायत में चल रहा हूँ तुम्हारे साथ। पंचायत में चल मेरे साथ, लेकिन वहाँ कुछ उल्टा सीधा ना बोल दियो। मैं भी बोलूंगा उल्टा सीधा। चलो लिखो, चलो चलो अंदर चल, अंदर चल। प्रधान जी चोर तो मैंने देखा नहीं, जैसा करो वैसा कर लो, मैं तो पंचायत के साथ। हाँ भाई तुम बोल लो यागो, चोर तो हम में से एक है और जो सच बोलेगा। हाँ भाई हम तुम बता, जो सच बोलेगा ना उसे कुछ नहीं कहा जाएगा। तू बोल भाई यू, मैं अब भी कह रहा हूँ जो सच बोलेगा उसे कुछ नहीं कहा जानेगा। और जी क्या कहते रहे हैं, फिर बात देखो बात बिगड़ेगी बात खराब होगी, इसलिए सच ही सच बोल दो। हाँ भाई शेख चुल्ली तू बोल। अगर मैं झूठ नहीं बोला तो अम्मी मर जाएगी, इसलिए झूठ बोल देता हूँ, अब्बू का नाम ले देता हूँ। हाँ सुना पंचो, चोरी मेरे अब्बू ने की है, अब्बू चोर है। अबे क्या कह रहा है तू, पिटवाएगा? जलालुद्दीन क्या शेख चुल्ली ठीक कह रहा है? जी प्रधान जी इसकी बात तो बता रहे, ये तो पागल है। अबे क्या कह रहा है तू, पिटवाएगा? अगर झूठ नहीं बोला तो अम्मी मर जाएगी, इसलिए झूठ बोल देता हूँ। हाँ पिटवाएगा, जब नहीं सोची जब कल चुरा के ले गया माल, चोरी का माल लेगा जब नहीं सोची, कल को पिटाई भी हो सके पंचायत में। हाँ मेरा अब्बू चोर है, चोर है मेरा अब्बू, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा अब्बू ने माल चुराया। रामफल जी चोर तो अपना भी आ गए, पकड़ो मारो सालों का तो नहीं प्रधान जी वो तो पागल है, हमने चोरी नहीं करी। अगर पागल होता तो भाग क्यों जाता? प्रधान जी मेरा सामान दिलवा दो, अन्य मैं तो पुलिस में जा रहा हूँ। हाँ तो आप बता दो सामान कहाँ है। भाइयों हमारा यकीन करो, सामान हमारे पास नहीं है, नहीं है।
तो शराम फड़ का माल देता है और नहीं तो पुलिस आ जाएगी और पुलिस जी तेरा पिछौड़ा लाल कर देगी नी अपने आप काट देगा माल को समझ गया उससे के बच्चे को पकड़ के लाओ और ये 3 दिन बंद रखो और नहीं बताना तो पुलिस को दे दो ठीक है प्रधान जी जाना अम्मी बाहर जाना ना कहाँ घुस रही है आ रही हूँ क्यों चिल्ला रहे हो क्या हुआ मैं रोटी पक गई मुझे भूख लग रही है कहाँ से पक गई रोटी और हाँ पंचायत का क्या हुआ फैसला हुआ कि नहीं बेटे अब्बू का रिमांड ले रहे हो चुप रहिए बेटा से कुछ चुप रहने में फायदा अरे बोलता क्यों ना है क्या हुआ रामफल का चोर मिला न मिला उसका सामान मिला नहीं मिला अम्मी चोर तो मिल गए मगर पंचायत में फैसला हो रहा या अल्लाह उस रामफल का सामान मिल जाना चाहिए रुक जाना कुछ खाने पीने को दे दे मैं अंदर जा खाऊंगा अगर कोई आए ना नुगा सेक्सीली का तो नुगा देना सेक्सीली घर में नहीं है अरे क्यों आ तुम्हें सारी बात बताओ तुम्हें पता नहीं है अम्मी अगर भी आगे साले मुझे पीटने पड़ेंगे और 3 दिन तक मारूंगा अब्बू को तो लेगा 3 दिन के कॉन्टेक्ट पे पता नहीं साले कब छोड़ेंगे अच्छा ठीक है तुम अंदर जाओ हाँ तुम अंदर जाओ भाईजान वो तो पंचायत में गए हैं अभी आए नहीं है चलो चाबी मिला वही काटूंगा सारे चल सारा अम्मी चले गए वे लोग हाँ चले गए क्या ड्रामा है ये शेख जी वो छत पे कहाँ भाग रहे हो मैं तुम्हें बता रही है मैं छत पे जंगल में भाग जाऊंगा कभी साले फेर कहाँ जाऊं या अल्लाह इनकी खोपड़ी में क्या खिचड़ी पकती रहती है मुझे तो पता ही नहीं चलता मैं तो चल के अपना काम करूं चलो अम्मी चल बेटी चल हाँ आया साला बस साला मुझे फंसवाने के चक्कर में हाँ पागल मान रहे साले बस साला मुझे पागल मान रहे शेख चिल्ली कहाँ भाग रहे हो कौन है अब क्या आफत है मैं हूँ तेरा शुभ चिंतक देखो शुभ चिंतक जी मैंने आपकी बात मानी तुम्हारी बात मानने के चक्कर में मेरे परिवार ने बहुत कष्ट झेले बहुत दुख झेले परंतु मैंने सच नहीं बोला तुमने बहुत अच्छा किया मगर आज का दिन तुम्हारे लिए और खतरनाक है जब मैंने इतना कष्ट झेल लिया इतनी तकलीफ झेल ली तो उसे भी बताओ तो सुनो अगर आज तुम झूठ बोले तो तुम्हारे अब्बू मर जाएंगे अब्बू मर जाएंगे हाँ आज के बाद तुम्हें सच बोलना है वरना तुम्हारे अब्बू गए क्या मैं ये क्या कह रहा हूँ शुभचिंतक जी नहीं नहीं लफड़ों में रोज भाजते हो मुझे तुम खामोश हम तुम्हें नए नए लफड़ों में नहीं फांस रहे हम तेरे परिवार को बचा रहे हैं आज शाम तक तुझे सच बोलना है वरना तेरे अब्बू मर जाएंगे ठीक है अब मैं सच बोलूंगा मगर अपने अब्बू को नहीं मरने दूंगा बिल्कुल नहीं मरने दूंगा अच्छा शुभचिंतक जी अब मैं चलता हूँ सलाम वालेकुम अब्बू मैं आ रहा हूँ सच बोलने के लिए आ रहा हूँ झूठ बोलने में मम्मी नहीं मरने दी और सच बोलने में तुझे नहीं मरने दू आ लिया गाँव में इस टाइम कोई भी आदमी नहीं सब गए हैं बाहर और लड़का भी हमारा ड्यूटी पे गया और लो अल्लाह का नाम और काम शुरू करो देखो जी हम तो काम शुरू कर देंगे अगर आपको एतराज ना हो तो ना जी हमें कोई एतराज नहीं आप शुरू कर दो सलामुअलैकुम वालेकुम अस्सलाम लो आगे से एक चुल्ली भी पढ़ो बिस्मिल्लाह करो काम शुरू वह कैसा काम शुरू कर रही हो ये फैसल के रिश्ते वाले आए हैं कह रहे लड़का दिखाओ मैं कह रहा लड़का बिल्कुल सही है देखने की जरूरत नहीं बिल्कुल टन लड़का और काम शुरू करो मुल्ला जी लड़का तो सही है ना तेरी गारंटी अगर कुछ कल गड़बड़ होगी तजे तेरी बख्शीश नहीं फैसल का रिश्ता ओवे तो साला बड़ा बदतमीज अंधा काना लंगड़ा लूला साला झूठ बोल रहे साले इसलिए मुझे तो सच बोलना
मुझे तो अपना अबू बचाना। क्या सोच रहे हो मुल्ला जी? कुछ नहीं। अच्छा वो फैसल के रिश्ते की बात है। वैसे लड़का बहुत सुंदर है, तोतला जी बोलता। हाँ जिसे मिर्गी सीटती है। बताओ तुझे चेचक में आँख खराब हो गई थी। दारू पी का परसा गोबर में पड़ा था। वैसे नाली में मुंह निकल रहा उसका। वैसे लड़का बहुत अच्छा, बहुत सुंदर है। ठीक है ठीक है, निकल लो निकल लो निकल 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 लो, कोई दिक्कत नहीं, इधर बैठूंगा। ठीक है, मैंने सही नहीं कहा अपराध भाई। सारे कम का सारे मैं सारे झूठ बोल रहे थे, झूठ बुलवा रहे थे एक्चुअली से। मैं झूठ बोलने वाला नहीं आज तो। हाँ ताले ईद के दिल भरेगा। सारे कम का लोग मुझे मारा, सारे सच बोलने पे भी। शेख जी चुप रहूंगा बस। अरे कब से आवाज दे रही हो, आप सुनते क्यों नहीं हो? शेख जी आप कुछ बोलते क्यों नहीं? मैं कम बगल मैं क्या बोलूं, मैं मुझे था चुप रहने में फायदा। वो क्यों? वो इसलिए कि मुझे सारे लोग झूठ बोलने में मारते थे और अब सच बोलने में भी मारते हैं। अभी भी पिटका रहा हूँ, देख मेरी शिकल। शेख जी मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। शेख जी मेरे पति को छुड़ा दो। मैं कैसे छुड़वा दूँ तेरे पति को? वो कह रहे हैं अगर शेख जी नहीं कहेगा तो हम छोड़ देंगे उसे, क्योंकि शेख जी ही गवाह है। एक बार चल के उन्हें बोल दो ना प्लीज। हाँ इंग्लिश हाड़ रही है, इंग्लिश से बात कर रही है। शेख जी प्लीज एक बार चलो, चलो ना शेख जी प्लीज। अबे हाँ जी, तो बहुत बुरा करा डॉक्टर को फंसवा के। असली चोर तो साला वो है, खोके के पीछे बता रहा एड्रेस। डॉक्टर को छुड़वा देता हूँ। क्या सोच रहे हैं शेख जी, चलिए ना प्लीज एक बार चलिए। हाँ 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 चल 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 चल। हाँ भाई आप बता कहाँ कहाँ करी तेने चोरी? साहब मैं चोर नहीं हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। डॉक्टर बता रहा काम चोरी का, डॉक्टर बता रहा है। साहब मैं चोर नहीं हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। फिर डॉक्टर बता कहाँ कहाँ करी चोरी? साहब मैं कह रहा हूँ मैं डॉक्टर हूँ। डॉक्टर बता रहा, ढंग में बता रहा कहाँ करी चोरी। जनाब मैं एक काम से बाहर जा रहा हूँ। अरे श्रीचंद आज आपने वर्दी नहीं पहनी? सर वो ड्राई क्लीन के लिए दी है, शाम को आएगी पहन लूंगा। मैं जाऊँ? हाँ ठीक है आप जाओ। सर जय हिंद। सर जय हिंद। जय हिंद। अरे वो जो चोर पकड़ा था मेरे को उसकी फाइल चाहिए। सर ये रही फाइल। ठीक है अभी तो मुझे थाने में जाना है और दौरे के लिए, और मुझे ये केस फाइनल चाहिए, समझे? ओके चाहिए बिल्कुल। ठीक है सर। सर जय हिंद। सर सर श्रीचंद अब कहीं नहीं जाना, केस फाइनल करना है। जी जनाब जैसा आपका आदेश। दरोगा साहब सलाम। सलाम भाई सलाम, कैसे आए मुल्ला जी? आए क्या दरोगा साहब, उसे छोड़ दो, डॉक्टर चोर नहीं है। अच्छा कल तक तो वो चोर था, आज चोर नहीं है, बयान बदल रहे हो हैं? रिश्वत खाई है? मैं रिश्वत? कैसी रिश्वत? साला मैंने तो आज तक कुछ खाया ही नहीं, मुझे क्या पता। उसे छोड़ दो, देखो उसी घरवाली का रो रो का बुरा हाल हो रहा। अच्छा तेरे बाप का राज है जो उसे छोड़ दे। हाँ बाप का राज है, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, उसे छोड़ दे बदतमीज। तेरे बाप का राज है, जब चाहे छोड़ दे, जब चाहे छोड़ दे। मार, छोड़ दे, 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 छोड़ दे,
बयान बदले भाई जान, मुझे कुछ नहीं मिला, मैंने कुछ नहीं लिया, मैं तो अपना बदल रहा हूँ भाई जान, मैं तो वैसे ही पीटता फिर हूँ भाई जान, मैं तुम्हें असली चोर बता दूंगा। बता तो बता कहाँ है चोर। वह ऐसा करो तुम मेरे साथ चलो, उस आला पनवाड़ी की दुकान में सोता। अगर तूने इस बार झूठ बोला ना तो तुझे अंदर कर दूंगा, समझा। मैं झूठ की बोलूंगा, मैं झूठ बोल के मुझे अपने अबू मरवाने, मेरा था झूठ, सच में नाश हो रहा। चलो तो चलो इसके साथ चलो, अभी पता चल जाएगा शेख चिल्ली का झूठ और सच। हाँ हाँ सब साथ चलो, डॉक्टर को बुला पहले। श्रीचंद डॉक्टर को बुला के ले आओ। डॉक्टर को बुला नहीं रहे, मैं तो साथ चलो मेरे साथ, अभी पता चल जाएगा। डॉक्टर को बुलाओ, मुझे छोड़ दो, मैं चोर नहीं हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। आजा इधर से घूम के चलेंगे, ये गांव का रास्ता उधर से घूम के पहुंच जाएंगे जल्दी। मुझे कह रहा था साला पनवाड़ी की दुकान के पीछे से होता हूँ, पनवाड़ी की दुकान तो वहाँ। मुल्ला जी कहाँ ले जाओगे, कहाँ ले आए जंगल में? उबे बेटे, उबे वो तो आ लिया चोटा, चोर तो आ रहा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो आ जाओ। अरे मुल्ला जी आप कहाँ जा रहे हो? उबे मैं तो तुझसे मिलने जा रहा था सांड। अच्छा? कौन से खोके के पीछे सोता तू? अरे खोके पे के मैं तुम्हें हेमिल का बोलो क्या काम? हेमिल का बेटा चोर साले थाने चल, चोर ले चला इसका साले। तो चोर मिली आप तो छोड़ दे। अरे दरोगा जी मुझे क्यों पकड़ रहे हो? पकड़ रहे हैं तुझे, ले चलेंगे थाने में। हाँ ले जा ले जा ले जा ले जा, साले का हिरन बना था हिरन गया साला, छोड़ दो मुझे। भाई डॉक्टर साहब तो घुसा, डॉक्टर नहीं अब तो घुस हो गई, अब तो मजे से दवाई गोली बेचो। भाई शेख जी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी पिटाई करी थी और तुमने मुझे छुड़वा दिया। भाई इसमें माफ करने की और एहसान की क्या बात है भाई जान, भाई मुझे तो सच बोलना ही था। क्यों डॉक्टर नहीं? ठीक है शेख जी चलो रूबी, चलो साहब अपने घर को जाओ। जा रहे हैं शेख भाई, जा रहे हैं। इधर कहाँ जा रहे हो? चलो ठीक है घूमो घूमो घूमो, डॉक्टर भी बोली नहीं बोली जानता। ओबे मैं झूठ में पिट रहा हूँ, सच में पिट रहा हूँ, मगर कोई बात नहीं है, ना अब्बू को मरने दूं और ना अम्मी को मरने दूं, और साला दुनिया में कोई मर जाओ। बेटी तू मुझे गलत समझ रही है, मेरी लाडो मैंने तो आज तक किसी से बात तक नहीं करी, पता नहीं इस शेखू को क्या हो गया है, ये तो पागल हो गया है। और हाँ रही इनकी बात, इनका मैं कुछ कह नहीं सकती। बेटी मैंने अपनी बाप की इज्जत को भर के रखा हुआ है, इस तरह से तुमको क्या हो गया जो अपनी घर की इज्जत को उछालने तक तुला हुआ है? मैं कैसे मान लूं? खुद तुम्हारा बेटा कह रहा था डॉक्टर से मेरे सामने कि उसने उसकी बीवी छेड़ी, तो वो खुद पिट के आए वहाँ। घर में एक दो खराब हो तो मान लूं, झेल लूं, यहाँ तो पूरा खानदान खराब है। मैं पूरा खानदान सही है रुखसाना, तू नहीं जानती मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे अबू ने आज तक किसी से बात तक नहीं करी। रही अम्मी की बात, वो तो साले किसी नूरा को जानती भी नहीं, और मैंने कोई डॉक्टर की बीवी नहीं छेड़ी रुखसाना। तो फिर क्यों पिटते फिर रहे थे, क्यों अम्मी को पिटवाया और क्यों अब्बू को पिटवाया? रुखसाना तू नहीं जानती, कल मुझे एक शक्ति ने झूठ बोलने के लिए कहा तो मैं झूठ बोला, और आज मुझे उसी शक्ति ने सच बोलने को कहा तो मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। क्या शक्ति ने? हाँ रुखसाना पता, आज मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, फिर भी लोग मुझे मारते हैं साले। आखिर वो है कौन जो तुम्हें उल्टे सीधे पाठ पढ़ा रही है? आखिर वो चाहती क्या है हमारे परिवार से? कहाँ है वो? वहाँ जंगल में। चलो हम सब चलते हैं, और मैं उनसे पूछूंगा आखिर मेरे परिवार का कसूर क्या है, क्या चाहती हो मेरे परिवार से,